खान आए हुए सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्लीज सर, साथ में सलमान खान मौजूद हैं, साजिद भाई मौजूद हैं, जैकलिन मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जैकलिन के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। नो साजिद भाई, भाई लोग कह रहे हैं वी लव यू, बोलो जवाब। थैंक यू। हाँ, दैट गोज विदाउट सेइंग, आई लव यू टू। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। समझ भाई, जितने 75% लोग हैं जो सिर्फ लड़कियां हैं और 3 घंटे से यहां बैठ के इंतजार कर रही हैं आपका। जुम्मे की रात विद भाई नहीं, वो जुम्मे की रात विद अनुराग पांडे के भाई के साथ विद भाई। कमाल है यार, मैं भाई बनना चाहता हूं, आप लोग नौ। This lot no bhai, you're right. ये वाकई में क्राउड है यार भाई। इनको कहा गया था कि प्लीज आप ऐसा मत बोलना, ऑफर भी किया था पैसे के लिए कि ब्रीफिंग वर्क दी गई है। नहीं, एक्टर्स हैं, परफॉर्म कर रही है, एक्चुअली ये फीलिंग्स हैं मेरे बारे में। बक अप इंडिया, कॉन्टेस्ट विनर्स। क्या लगता है कौन मुझे जीत के चला जाएगा यहां से? अरे नहीं यार, ये तो जीत चुके हैं। जोर से बोलो। ये आवाज निकली कहां से? I love you, सलमान। अंदरूनी आवाज थी ये। Awesome, thank you very much. I really appreciate it. God bless you. Thank you very, very much. Come, Jacqueline, please. You know, फिर से बोलो दो बार। Thank you. कभी कभी मुझको खुद को भरोसा नहीं होता, आप लोगों को मुझे ये याद दिलाना पड़ेगा हमेशा। कीप ऑन रिमाइंडिंग मी। हिमेश भाई, हिमेश रेशमिया, अहमद अहमद, और हमारे एमएमए फाइटर कम कोरियोग्राफर। प्लीज बोल सर, विनोद आज डिसाइड हो गया, भाई सिर्फ लड़कों के लिए और मेरी 4 बहनें के लिए, 2 रियल और 2 राखी सिस्टर। नॉट फॉर यू। देखा ये क्या कर रही है? I'm so jealous. You guys got a kiss.
एक्चुअली जैकलिन को देख के कौन कौन उस जगह पे खड़ा होना चाहता है जैकलिन की जगह? अरे दो तीन लड़के भी एनीवे अच्छा एंड बहुत सारे जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि क्या आई लव यू अलिव्यू जी, आप लोग भी आई लव यू कर सकते हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर इस गाने के बारे में, खासतौर से बहुत ही कमाल का गाना है एंड प्रोमो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है सलमान खान और आप लोग, एनी क्वेश्चन? हाय सलमान, आलोक दिस साइड फ्रॉम ओएफएम रेडियो विच साइड? आपके लेफ्ट। अच्छा दैट साइड। मेरा सवाल है कि ये गाना खुद कितने कंफर्टेबल थे और जुम्मे की रात कितनी खास होती है सलमान खान की? आप मुझसे इनकी कोरियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं जी? पहले तो जी बता दो या मैं बताऊं? गाना अच्छा लगा? बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। तो कोरियोग्राफी मेरी, इन्होंने दिखाया है कि अब मैंने ये सब मेरे स्टेप चुराते हैं इन लोग। कोरियोग्राफर्स हेलो एंड सलमान, हेलो। और हर रात की तरह जुम्मे की रात भी बहुत स्पेशल होती है। एंड एक डायलॉग है इसमें कि आप दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते, तो रियल लाइफ में कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? जी आप इनसे सवाल पूछो। सही है, अगर आप प्रकाश डालना चाहें इस स्टेटमेंट पे, प्रकाश डालो। नहीं, मुझे लगता है ये दो लाइन करेक्ट है। सूरज डालो। आज तक ये हमारे दिल में आए समय पूछिए हुज प्रकाश। सलमान जी, हेलो सलमान जी, मेरा सवाल आपसे है। प्रकाश जी इज धर्म जी इज मिसेस एंड बॉबी एंड सनी इज मदर एंड आल्सो मींस लाइट। हु इज प्रकाश? प्रकाश आंटी इज बॉबी एंड सनी'स मॉम, धर्म जी'स मिसेस एंड व्हाट इज प्रकाश मींस लाइट। हेलो सलमान जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये गाना देखने के बाद एक और गाना याद आया, जुम्मे के दिन किया जुम्मे का वादा। कहा था ना मैंने ये सवाल आएगा। कहा था मैंने मैंने ये इसे कहा था कि ये सवाल कोई ना कोई खूबसूरत स्लिम फिट कन्या पूछेंगी। सर ट्यून नहीं मिलता है, सिर्फ जुम्मा वर्ड है उस गाने में। तो अगर लिरिक्स का आपको दोष देना है तो शब्बीर अहमद जी ने लिखा है, कुमार जी ने लिखा है। ये देखो, दिखाओ शक्लें प्लीज। हाँ ये देखा, आप दोनों उठी। हाँ नहीं, सवाल मेरा ये है कि उतना ही उससे कहीं अच्छा ये सॉन्ग पिक्चराइज किया गया। जरा फेस कीजिए उस तरफ। फेस कीजिए उस तरफ। नहीं नहीं सीरियसली, ये प्रेस वाली है, आप प्रेस में बोलिए, आपने कहा ये, हमने नहीं कहा है। और आपने हमको ये परमिशन दे दी गई है क्योंकि आपने ये बात कह दी, वी नॉट द फर्स्ट पीपल टू से दैट, तो आपने कह दी। तो अभी साजिद और हिमेश ये बोलेंगे कि ये गाना उस गाने से मच बेटर पिक्चराइज किया है, मतलब कि ये मुकुल आनंद का गाना है। एंड साजिद एंड हमारे अहमद हैव डायरेक्टेड एंड कोरियोग्राफ द सॉन्ग बेटर देन हु? मुकुल आनंद एंड चिन्नी प्रकाश। लेकिन अहमद जी ने बहुत अच्छा डांस करवाया आपसे। करेक्ट बात है, मुश्किल काम है ये बहुत ही मुश्किल काम है मुझसे डांस करवाना। एक एमएमए का फाइटर ही कर सकता है उससे डांस। आपको पता है कि ये सिर्फ कोरियोग्राफ नहीं करते हैं, ये एमएमए, आओ सामने आओ, मिक्स मार्शल आर्ट्स के ये कंपटीशन लड़ते हैं। अभी एक इनका कंपटीशन होने वाला था, लेकिन योहान, सोहेल का सबसे छोटा बेटा, 3.5 साल का है, वो यहां पर है नहीं, वो एलए में है, ट्रेनिंग कर रहा है। तो जैसे वो वहां से आएगा योहान, इन दोनों का कंपटीशन होगा। ये तो मुझे बोल रहा है कि यू नो ब्रो, आई एम गोना ट्रेन, आई एम ट्रेनिंग, यू नो आई फाइट एमएमए। तो ऐसे तू मेरे को, 3 साल का योहान,
कोरियोग्राफी करवा रहा है तो मुझे डरा रहा है और ऐसा भी मैं डरा कि मैं हंस दूं। हाय सलमान। हेलो सलमान जी, मेरा आखिरी सवाल है कि लोग आपको जान बनाना चाहते हैं और आप भाई बनना चाहते हैं। देखो जान तो मेरी बनी बनाई है, इसलिए शायद लाइक आई सेड ना, भाई भाइयों के लिए, लड़कों के लिए और करेक्ट बात। ये आपको वहां से आपको आंसर मिल गया है। माय क्वेश्चन टू यू वाज हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन द एल्बम ऑफ किक एंड हु हैव कंपोज्ड द सॉन्ग। ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है यार। ये कितने गाने हैं? ये सवाल का जवाब जैकलीन अमान फर्नांडिस देंगी। अभी इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं। जैकलीन, माई क्वेश्चन वॉज हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन द एल्बम ऑफ किक एंड हु हैव कंपोज्ड देम। द कंपोजर ऑफ द फिल्म इज हिमेश रेशमिया एंड देन वी हैव वन और टू गेस्ट कंपोजिंग एंड इन 10 डेज वी विल बी टेलिंग यू एवरीथिंग। हाय हिमेश, वी बी वर्किंग ऑन दिस 10 डेज। हु आर द कंपोजर्स, हु आर द सिंगर्स, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। अब ये सोचे कि आप लोगों को गर्मा गर्म गाने बना बना के थे। ईद को रिलीज है, अभी तक गाने बने नहीं है। ये गाना बना है, ये आपको दिखा दिया, जैसे दूसरा बनेगा वो आपको दिखाएंगे। व्हाइल वी स्पीकिंग वी आल्सो शूटिंग फॉर अनदर सॉन्ग व्हिच इज कॉल्ड, गाने का नाम क्या है? अभी बन रहा है, लिरिक्स बन रहा है कुमार के पास। लिरिक्स भी बन रहा है कुमार के पास। पिक्चराइज द सॉन्ग इज कॉल्ड हैंगओवर। Himesh, on your left. Hi. My question's about this song, Jumme Ki Raat. How did you conceptualize the idea and having Mika on board? Because it's quite a unique combination. And Salman, which is your favorite song from the film, for both of you? See, definitely the inspiration was Jumma Chumma, because that was about 20 years back. And we're big fans of Jumma Chumma. I thought still, whenever the song comes on TV or... You know, wherever I see it, I just keep on going back to this song and sing the whole song. It was very beautifully shot then, and I think Ahmed has also shot it very, very beautifully. And of course, the persona of Salman bhai is something else. You know what? Like how Bachchan saab was extraordinary in Jumma Chumma, and we want it to be the biggest party anthem, the youth anthem, and I think by the grace of God on Eid, it'll be one of the... Thank you. Salman, at the last press conference... But I hope you just jumped in on a Friday. ...the preview of Jumme Ki Raat by bursting into dance. Today, I want to ask you, it's been a couple of days since then. Do you have a different reaction? Have you had a chance to speak to her? डांस नहीं अरे सुनो, मैं डांस के लिए बोल रहे हैं, डांस कैसे करेंगे? गाने लगाना पड़ेगा, डांस में बहुत देर लगेगी। कितने दिन में शूट किया गया भाई? अहमद, कितने दिन में शूट किया ये पूरा गाना कितने दिन में शूट किया गया? सिक्स डेज में। क्या 22 गिना दो? इनकी हंसी
इनके बाल, इनकी आंख, इनकी पर्सनैलिटी, दिलचस्प पर्सनैलिटी, इनका कपड़ा, इनके कपड़े पहनने के अंदाज, इनका अंदाज, इनकी मुस्कुराहट, इनका कंप्लेक्शन, त्वचा, इनकी काया, व्हाट्स दैट, इनका स्टाइल, इनकी पर्सनैलिटी, इनकी मेहनत, इनकी सिंसियरिटी, इनका योगा, इनका जिम, इनकी बॉडी, और सलमान हियर, और इनका हीरो, समझदारी, इनोसेंस, टेलर, इनकी हर चीज, इनकी इनर ब्यूटी, इनकी आउटर ब्यूटी, इनकी साइड की ब्यूटी, सिर्फ लेफ्ट साइड की ब्यूटी, सिर्फ लेफ्ट साइड की ब्यूटी। ओके सलमान, आई थिंक व्हाट ही सेड अबाउट him being my hero might be the most apt one, the most true one. Okay, Salman. ये इस फिल्म के लिए अगली फिल्म में चेंज हो जाएगा। ने अपने डायलॉग के दौरान कहा है, आपके एक डायलॉग में से एक कहा है कि किक होनी चाहिए। सलमान को किस चीज से किक लगती है, पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ? वैसे तो काफी चीजें हैं जिससे मुझे किक मिलती है, लेकिन मैं हर चीज में एक किक लाने की कोशिश करता हूँ। जब मुझे कोई नीचे दिखाता है, मेरा ये रहता है कि मैं उसको रॉन्ग प्रूफ करूँ। जब मेरी कोई तारीफ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काबिल हो जाऊँ कि ये मेरी ज़्यादा तारीफ करें। सलमान, ये हमेशा से रहता है कि मैं किसी से कुछ मांगू नहीं, बल्कि मैं उनको क्या दे सकता हूं। मेरी जो भी समस्याएं हैं, मैं वो अपने आप ही सॉल्व करूं, ना किसी की मदद लूं। कि अगर कुछ हो जाए तो दोष मैं अपने आप पे दूं, ना ही किसी और को। सो ये मेरी लाइफ की किक्स हैं। जैसे कि हम लोग कोई मैच खेलते हैं, यू वॉन्ट टू विन, आप स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, तो आपको वो मजा आता है जब वो सांप आपको खा जाता है और धड़ से नीचे आ जाते हैं आप, एंड देन यू गेट एक्साइटेड, अब तो मैं 100 पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। सो लाइफ में भी यही होता है कि आप सीढ़ी चढ़ जाते हो, एंड देन दैट स्नेक ईट यू एंड गेट्स यू बैक टू 3। सो दैट एंथुसियाज्म व्हेन यू कम डाउन इज रियल लाइफ के अंदर बहुत सैड हो जाता आदमी, ही जस्ट गेट्स ऑल डिस्टर्ब, बट इन दैट स्नेक्स एंड लैडर्स का गेम, you know, you get that kick, that enthusiasm, that feel, that push, ki are koi baat nahi yaar, niche aa gaye na, ye idhar hi hai na, we'll reach up, we'll complete before him. So to come up to that, so basically treat life as a game, ki when you're born, when you come here, you ask for these things in life, ke dekh rahe upar se dharti pe, acha ye yahan par is family mein ye problem aayenge, ye problem to main jhel lunga yaar, mujhe yehi de do, I will handle this. But when you come here, you forget. And then you get all confused. So it's like that snakes and ladders ka game or Ludo ka game. You try and solve those problems. And that's what I'm trying to do for the longest time. Okay, Salman, aapke left mein. Yeah. Salman, okay, oh, yaar, intelligence level bhi drop ho raha hai. बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या नाम है आपका सर? गाना देखा मैंने जुम्मे की रात, काफी उल्टी। क्या बात कर रहे हो, कब देखा? वेरी गुड, तालियां सर के लिए। अभी देखा मैंने, देख लिया यार, देख लिया, काफी वेरी गुड, वेरी गुड। काफी उल्टी सीधी हरकतें की है आपने, जैसे जैकलीन के कपड़ों को आप दांतों से दबाते हैं। अरे तो ये टैलेंट कब से आया सलमान आपके अंदर? आपने कभी जैकलीन के कपड़ों को दांतों से नहीं दबाया क्या? क्या मतलब सलमान, ये टैलेंट कब से आया आपके अंदर? पहली बार देखा मैंने, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बस में 5 साल में ये पहली बार सामने आया, और 5 साल में शाम का वक्त था, 5:03 और 3 सेकंड, उस समय सलमान भाई पास ये टैलेंट आया। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके? नहीं नहीं, पांडे जी ने सही कहा। सर लास्ट क्वेश्चन, किंजल फ्रॉम, आपका माइक छिल गया। नहीं कोई बात नहीं,
लेकिन आपका सवाल बहुत ही खूबसूरत था कि आपने ये कब जैकलीन के कपड़े चबाना सीखा? टैलेंट। आई थिंक ये थॉट मेरे माइंड में उस वक्त आया जब मैं अपनी माँ की कोख में था। पांचवा महीना था सर। माय मदर ड्रिंक्स कोक, सो व्हेन शी वाज हैविंग कोक। सर आपके ट्रेलर और आपके जो मूवी के व्यूज हैं उसने 5 मिलियन लाइक्स ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं। धूम 3 7.2 दैट्स द लेटेस्ट। आप थोड़े से 2 मिलियन पीछे नहीं रह गई? ओके, एज वी स्पीक आई थिंक बढ़ते जा रहा है। राइट काउंट दो आप मुझे। आपकी फैन फॉलोइंग ने अभी आप देख रहे हैं कितनी बड़ी हुई है ऑलरेडी, एंड इट्स क्रॉस धूम 3 एंड क्रिश का लाइक्स ऑलरेडी। सो आपके कमेंट्स क्या रहेंगे? नो कमेंट्स। ओके सलमान, 9 भाषाओं का जिक्र किया गया कि आप बैठे बैठे 9 भाषाओं के बारे में, आपके लेफ्ट में, तो वो 9 भाषाएं कौन कौन सी थी अगर आप जिक्र करना चाहें? 9 भाषाएं नहीं आती मुझे सलमान जी। हाँ सलमान, जिस तरीके से हमने पिछली बार आपसे मुलाकात की थी, एक था टाइगर के समय, तो आप काफी अपनी हीरोइन की खिंचाई करते हुए नजर आए थे, यहाँ बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आ गया अचानक से? अरे यार, वो तारीफ में ही तो खिंचाई है, कौन समझाएगा? सेंस ऑफ ह्यूमर। ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये तारीफ हुई जा रही थी? वही तो। अंदाज कुछ वही करते हैं यार ये पांडे जी। आई नो। और दूसरा सवाल मेरा यह था कि अक्सर सलमान खान के लिए कहा जाता है काफी मूडी है। राशन हो रहा है? हाँ जी राशन हो रहा है सवालों का। एक ही सवाल, एक ही सवाल पूछना अलाउड है? चलिए आई एम सॉरी, लेकिन नहीं पूछ ली आप लोगों से, सलमान से नहीं लेकिन बाकी ये इंटरव्यूज बोरिंग नहीं हो तो आपको ऐसी उल्टी सीधी सवालों का उल्टा सीधा जवाब दे रहा हूँ मैं। सवाल नहीं, सवाल अच्छे, मैं उल्टा सीधे जवाब दे रहा हूँ ताकि टीवी पे थोड़ा सा अच्छा साउंड करें। आपको अभी तक वो मिला नहीं, वो जो एक चलाना होता है? वो पिछली बार आपके डांस से मिल गया था, तो रिपीट करना कोई पॉइंट नहीं ना। हाँ तो सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल सलमान को छोड़ के बाकी लोगों से था कि अक्सर कहा जाता है सलमान खान काफी मूडी हैं, तो आप लोगों ने किस तरीके के मूड अब तक देख लिए सलमान जी के? बता दो अगर आप बता सके। इन्होंने तो हर किस्म के मूड देखे हैं। मैं तो 20 साल से देख ही रहा मूड। बाकी कोई आई डोंट नो हिमेश सर। उनके मूड का अभी बहुत जल्दी प्रोमो आने वाला है, बस उतना मैं बोल रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट आपको कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगा। उनके मूड का प्रोमो आपको मिलेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हो गया, हो गया। फोटो। सुनो, Thank you.
थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये गाना ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है फीवर 104 एफएम पर पी सीरीज के द्वारा, तो बस जाइए सुनिए और एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए फीवर 104 एफएम। थैंक यू।